इसराइल को खतरा है कि ईरान की तरफ से किसी भी वक्त अब हमला हो सकता है, और अगर हमला हुआ तो इसमें हिजबुल्ला के भी शामिल होने का सिग्नल मिल चुका है। ऐसे में अगर तेल अवीव को टारगेट बनाया गया तो नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। आइए इस पर रिपोर्ट देखते हैं। एक तरफ ईरान से अटैक और दूसरी तरफ हिजबुल्ला का हमला, अगर ऐसा हो गया तो नेतन्याहू क्या करेंगे? वॉर रूम में बैठकर प्लान बनाने वाले नेतन्याहू के सामने ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसके बारे में उनका अंदाजा जहां खत्म होता है ईरान और हिजबुल्ला ने वहां से आगे सोचना शुरू कर दिया है। इसराइल पर होने वाला अगला बड़ा अटैक बहुत बड़े खतरे को समेटे हुए है। यानी नेतन्याहू के सामने हिजबुल्ला के 1.5 लाख रॉकेट हैं और दूसरी तरफ है ईरान की 2 लाख मिसाइल। नेतन्याहू इन दोनों से एक साथ कैसे लड़ेंगे? यानी जब हिजबुल्ला और ईरान का डबल अटैक होगा तो इतने बड़े हमले को इजराइल कैसे काउंटर कर पाएगा? बैरूत में होने वाले धमाकों और इन हमलों के बीच इसराइल को डराने वाली बहुत बड़ी धमकी हिजबुल्ला ने दे दी है। नेतन्याहू बेचैन हैं कि अब इसराइल को कैसे बचाएंगे, क्योंकि जितनी तबाही इसराइल ने बैरूत में मचाई है उससे 10 गुना गुस्सा यहां इसराइल के खिलाफ फैल चुका है। Saw lots of destruction on the way there in the towns surrounding Majayoun, including as we drove through Nabatea. And this was obviously a few days ago before the increase in bombardments in Nabatea. नेतन्याहू के सामने अब बड़ा चैलेंज है, चाहे हिजबुल्ला हो या फिर ईरान। दोनों के हमले रोकने में इसराइल पूरी तरह कामयाब नहीं रहा है। जमीन पर धमाकों से साबित होता है कि अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कनस्तर साबित हो रहा है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अब टारगेट पर पूरा इसराइल है। इसराइल के टारगेट पर कौन कौन से शहर हैं देख लीजिए। सबसे करीब टारगेट बन चुका है हाइफा, इसके बाद है अशदोद, अश्केलोन, तेल अवीव, और हिजबुल्ला के रॉकेट की रेंज तो इससे भी आगे है। इस वक्त इसराइल के सामने बड़ा संकट यह है कि उसकी एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो रही हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल गाजा से फायर किए जा रहे रॉकेट रोक रोक कर थक चुका है। यही हाल उत्तर वाले फ्रंट पर है, जहां लेबनान से हिजबुल्ला रोज रॉकेट फायर करता है और इसराइल को अपना आयरन डोम 24 घंटे एक्टिव रखना पड़ता है। हिजबुल्ला ने टारगेट सेट कर लिए हैं। हिजबुल्ला के 10,000 रॉकेट वाली सुनामी किसी भी वक्त लॉन्च की जा सकती है। 10,000 रॉकेट को 10 मिनट में दागने का प्लान है। 10,000 रॉकेट से इसराइल के 10 मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी है। 10,000 रॉकेट से इसराइल को 10 साल का सदमा देना चाहता है हिजबुल्ला। लेबनान और इसराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला के टारगेट पर अब इसराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। इसराइल के जिन मिलिट्री बेस को खतरा है उनके बारे में जानने से पहले हिजबुल्ला का रॉकेट गोदाम, जो हमास के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बताया जाता है,
हिजबुल्ला के कत्यूशा रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। यह 10 सेकंड में टारगेट हिट करता है। इससे आगे हिजबुल्ला के पास है फज्र 3 नाम का रॉकेट, रेंज है 45 किलोमीटर, टारगेट पर 35 सेकंड में पहुंचता है। हिजबुल्ला के पास है फज्र 5 रॉकेट, इसकी रेंज है 75 किलोमीटर, टारगेट पर 50 सेकंड में फटता है। हिजबुल्ला के पास है खैबर रॉकेट, इसकी रेंज है 100 किलोमीटर, टारगेट पर 75 सेकंड में फटता है। हिजबुल्ला के पास है जेलजाल 2 रॉकेट, इसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है। इसमें 600 किलो विस्फोटक फिट किया जा सकता है और ये 120 सेकंड में टारगेट पर पहुंच जाता है। यानी हिजबुल्ला का रॉकेट का गोदाम पूरे इसराइल को कवर करता है। इसमें इसराइल का हर शहर रेंज में है।